सफ़ीर इंसानियत हज़रत बाचा ख़ान एक अजीम इंसान थे। वो सिर्फ फ़ख्र अफ़गान नहीं थे पर फ़ख्र इंसानियत थे। उनका पैगाम अमन, अदम तशद्दुद पूरी इंसानियत के लिए था और है। बाचा ख़ान को हम सिर्फ पख्तूनों तक नहीं रख सकते बल्कि वो पूरे बरे सगीर के रहनुमा थे। उनका जो मैसेज था वो पख्तूनों के साथ साथ सिंधियों, बलोचों, सरायकियों और जो दूसरी मज़लूम कौमें हैं पाकिस्तान के बनने के बाद, उनके लिए एक मशाल राह साबित हुई। बरे सगीर की आज़ादी में उनका कलीदी किरदार था। उसके बाद बाचा ख़ान ये पाकिस्तान के पहले रहनुमा थे जिन्होंने हिज्ब इख्तलाफ की बुनियाद रखी और उन्होंने बलोचों, सिंधियों और पख्तूनों को अपने साथ उठाया और इत्तेहाद का बेड़ा अपने सर उठाया। आज दुनिया में जो जंग, जदल और सफाकी है उसको अमन और अदम तशद्दुद के ज़रिए ही हल किया जा सकता है अगर हम बाचा ख़ान के पैगाम पे अमल करें और बाचा ख़ान के पैगाम और अफकार को हर जगह फैलाएं तो दुनिया से जंग ख़त्म हो सकती है। इताद, अमन, तरक्की के लिए बाचा ख़ान के पैगाम को आम करना अशद ज़रूरी है। उसके लिए हम सब पे ये फ़र्ज़ है कि हम उनकी तालीमात को आम करें और घर घर फैलाएं। अदम तशद्दुद में ही अमन है और अमन के बगैर दुनिया कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। पख्तूनों को सिर्फ और सिर्फ अमन बचा सकता है और वो अमन उनको लाना होगा हर कीमत पे।